एट्स क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं <coughs> मैं एग्जाम्पल ऐसे, ऐसे बता रहा हूं एट्स क्वेश्चन इसका है ठीक है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव द हेल्प ऑफ एनालिसिस दैट द इक्वेशन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी एच इज इक्वल टू हाफ जी टी फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी इन टाइम टीज इज इनकरेक्ट ये कह रहे हैं जो ये, ये जो फार्मूला है ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऊपर से गिरती है तो उसके द्वारा टाइम टी में जो चली गई डिस्टेंस का ये फार्मूला लिखा हुआ है तो, तो कहते तो हैं एक मिनट हाँ जैसे तो हाई टी होगी ना तो आपको ये निकालना है कि ये फार्मूला इनकरेक्ट है पहले तो ये करना है तो इनकरेक्ट के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आप इसमें लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एल एच एस डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका ये तो एल हो जाएगी भाई एल में क्या हाइट है ना हाइट बोले तो डिस्टेंस डिस्टेंस की डायमेंशन एल हो जाएगी फिर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ आर और आर के लिए हाफ का कोई मतलब नहीं है जी की क्या हो जाएगी एल टी इनवर्स टू इंटू टी तो ये क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स वन क्या एल और आर की डायमेंशन इक्वल है यानी कि डायमेंशन ऑफ एल एच एस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ आर एच एस सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं इनकरेक्ट ही होगा जाकर के सो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट सो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट अब उन्होंने कहा ठीक है इनकरेक्ट है तो भाई करेक्ट बता दो करेक्ट क्या होगा तो देखो ध्यान से सावधान हाइट किस किस बात पर डिपेंड कर रही है जी पे डिपेंड कर रही है और टी पर डिपेंड कर रही है तो आप कहेंगे भाई देखिए हाइट डिपेंड्स अपॉन जी रेस्ट पावर ए और हाइट डिपेंड्स अपॉन टी रेस्ट पावर बी भाई आपको हाइट का फॉर्मूला करना है ना जो कि जी और टी पर डिपेंड कर रहा है तो जब हम यहां पर एक इक्वल टू लगाएंगे तो कॉन्स्टेंट क्या आएगा के और g की पावर a इंटू टी की पावर b अब क्या करना होता है दोनों तरफ की डायमेंशन लिख देते हैं राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स तो एच की डायमेंशन क्या होगी एल कांस्टेंट की कुछ होती नहीं है जी है एक्सेसन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी क्या डेमिशन होती है एल टी इनवर्स टू की पावर ए।, ए और टी की पावर बी तो इधर तो हो गया एल अब देखिए यहां एल की पावर ए होगा और टी की पावर बी माइनस टू ए होगा भाई एक तो टी की पावर बी यहां आएगी और माइनस का टू ए यहां आएगी मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाती है चूंकि माइनस है इसलिए माइनस हो गई है अब हम क्या करेंगे दोनों तरफ पावर को इक्वेट करेंगे इक्वेटिंग पावर ऑन बोथ द साइड इक्वेटिंग पावर्स ऑन बोथ द साइड्स तो यहां पर एल की पावर ए है यहां पर वन है यानी ए की वैल्यू क्या हो गई वन और टी की पावर वहां क्या है बी माइनस टू ए और यहां पर है नहीं ए का मान क्या रखोगे वन तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू तो, यानी ए और बी दोनों की वैल्यू निकल आई अब इस ए बी को उठाएंगे और क्वेश्चन नंबर वन में रख देंगे इधर नोट कर लिया ना राइटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन क्वेश्चन नंबर वन राइटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी इन इक्वेशन वन तो एच बराबर क्या आएगा के जी की पावर ए इंटू ए मतलब वन और टी की पावर बी मतलब टू अच्छा एक्सपेरिमेंटली की वैल्यू हाफ होती है एक्सपेरिमेंटली की वैल्यू क्या होती है हाफ तो एच बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वार. तो कहेंगे ये भाई करेक्ट इक्वेशन है ठीक है जो कि वो गलत लिखी हुई थी ठीक है।, है नोट करिए क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास एम इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड स्वंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर यानी एम मास का एक पार्टिकल है जो रेडियस आर के सर्कुलर पाथ में एक धागे से बांध के घुमाया जा रहा है ठीक है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड वी और वी कॉन्सटेंट स्पीड से वो घुमाया जा रहा है अच्छा ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द सेंटिपिटल फोर्स देखिए जब कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है उसको हम सेंटिपिटल फोर्स का कहते हैं तो कहते हैं सेंटिपिटल फोर्स जो लग रहा है ना उसका फार्मूला आपको ड्राइव करना है बाई द मैथड ऑफ डायमेंशन ठीक है मैं थ्योरी बहुत नहीं लिखूंगा क्योंकि उसके पहले वाले टॉपिक में थ्योरी हम लिख चुके हैं देखो पहली बात तो है ना कि फोर्स जो लग रहा है वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है एक बात और हम फार्मूले उतने ही प्रूव कर पाएंगे यहां पर जो तीन चीजों पे डिपेंड करेंगे तीन से ज्यादा चीजों में डायमेंशन मेथड फेल हो जाता है वो यहां पर प्रूफ नहीं कर पाता है ठीक है यहां पर कहीं पर लिखा भी होगा कहीं पर लिम्टेश्व भी लिमिटेशन लिखा है कि तीन से ज्यादा आप नहीं कर सकते ठीक है तो आप लिखेंगे कि फोर्स जो डिप... लग रहा है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है प्रपोशनेट है मास रेस्ट पावर ए फोर्स किस पर डिपेंड करता है रेडियस रेस्ट पावर बी फोर्स किस पर कर रहा है पावर सी ये इस पर डिपेंड कर रहा है हमने पावर की बात बताई थी कि पावर कैसे वो डिपेंड करता है ठीक है तो अब हम जब इक्वल टू करते हैं तो क्या करते हैं हम एक कांस्टेंट यहां मैनेज करते हैं लगाते हैं एम टू पावर ए आर टू पावर बी वी टू पावर सी अब क्या तरीका होता है कि भाई दोनों तरफ की डायमेंशन लिख दीजिए राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड राइटिंग डायमेंशन ऑन बोथ द साइड्स जब दोनों तरफ की आप डायमेंशन लिखेंगे तो एफ की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी इनवर्स टू इधर आइए कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं एम बोले तो मास मास की डायमेंशन एम की पावर ए आर बोले तो एल की पावर बी वी बोले तो एल टी इनवर्स वन टी पावर सी अब देखिए इधर तो आपका हो गया एम एल टी इनवर्स टू इज इक्वल टू अब देखो अब पावर को हम ऑपरेट करते हैं क्योंकि एम अकेला है तो एम की पावर क्या हो जाएगी एल की पावर देखो यहां से बी आएगी यहाँ से सी आएगी तो यानी कि एल की पावर क्या हो जाएगी बी प्लस सी और टी की पावर माइनस का सी लिख दिया आपने आप क्या करेंगे दोनों तरफ की पावर्स को इक्वेट कर देंगे इक्वेटिंग द पावर्स इक्वेटिंग द पावर्स जब पावर्स को आप इक्वेट करेंगे तो एम की पावर यहां पर क्या आ रही है ए yes, और यहां पर क्या आ रही है वन तो ए की वैल्यू वन आ गई अब यार टी पे आ जाओ टी की पावर क्या आ रही है माइनस सी यहां पर क्या आ रही है माइनस टू तो माइनस सी इज इक्वल टू माइनस टू वैल्यू ऑफ सी विल बी एल की पावर क्या आ रही है बी प्लस सी यहां पर क्या आ रही है वन यहां पर एल वन आ रहा है ना और सी की वैल्यू आपके पास कितनी है टू तो सी बी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन यानी एबीसी मालूम हो गया अब एबीसी को उठाइए और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए पुटिंग ए बी सी इन इक्वेशन वन तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा एफ इज इक्वल टू के एम टू पावर ए ए बोले तो वन वी टू पावर आर टू पावर बी बोले तो टू सॉरी बी है बी बोले तो माइनस वन और वी टू पावर सी बोले तो टू तो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वाय टू है वी स्क्वायर बाई आर भाई इन्वर्स पावर नीचे जाएगी ना और एक्सपेरिमेंटली के की वैल्यू वन होती है यहां पर के की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपन आर ये फार्मूला आगे चैप्टर्स में फिर आएगा वहां आप प्रूफ करेंगे लेकिन वहां पर डायमेंशन मेथड नहीं होगा ये डायमेंशन मेथड से इसका प्रूफ है कि कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू सीजीएस सिस्टम सीजीएस सिस्टम बाय डायमेंशन मेथड डायमेंशन मेथड से आपको वन न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो पहले तो न्यूटन क्या चीज है फोर्स की एसआई SI यूनिट वन न्यूटन कितना फोर्स होता है नहीं नहीं वो छोड़िए एक छोटा बच्चा है जो कि फोर्स जानता है और आपको महसूस कराना है उसको कि वन न्यूटन होता कितना है कितना वजन होता है तो कैसे महसूस कराओगे ओ वन न्यूटन की बात करा उसको महसूस कैसे कराओगे हम ये बताओ वन किलोग्राम मास पर यह ना बताओ उसको डेफिनेशन ना बताओ उसको महसूस कराओगे उसको एक लात मारी कर ये एक न्यूटन की लात पड़ी है तो कैसे बताओगे ठीक है सुनिए ध्यान से उसके हथेली पे आप ऐसा करो कि सौ ग्राम का एक पेड़ा रख दो पेड़ा हम इसलिए बता रहे हैं हमारा एक दिल्ली का स्टूडेंट है उसको हमने कहा पेड़ा क्या होता है उसको पेड़ा नहीं मालूम कहा का भी अजीब बात नहीं तुमको पेड़ा नहीं मालूम तो बताया हमने वो खोएगा ऐसे गोल गोल बनता है तो अगर उसके हथेली पे 100 ग्राम का पेड़ा रखोगे तो उस पर कितना वेट काम कर रहा होगा एम जी वेट ही तो फोर्स होता है ना तो एम कितना आपने लिखा है 100 ग्राम 100 ग्राम बोले तो 1000 किलोग्राम किलोग्राम डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम आ जाएगा और जी की वैल्यू लगभग कितनी होती है दस के आसपास होती है एस सी वर्मा साहब ने ज़्यादातर दस यूज़ किया है और जिनमें हम दस यूज़ करते हैं उसमें नाइन यूज़ करते हैं काजी बात अब ये तीनों जीरो कट जाएंगे वैल्यू कितनी आ गई है वन न्यूटन यानी कि वन न्यूटन सौ ग्राम का जो पेड़ा है जो वेट है वो जितना उस पर फोर्स लगाएगा वन न्यूटन वो महसूस कर ले जाएगा फिर उससे कहो ये उठाओ और ऐसे एक मीटर उठा दो उठाया हाँ ये वन जूल कार्य करिए आपने तो महसूस कर ले जाएगा कि वन न्यूटन होता कितना है ठीक है भाई जैसे आप कहीं जाते हैं किसी उसमें होटल में वो कहता है दाल इतने की एक दाल ले आओ तो एक आइडिया होगा एक दाल होता कितना है अब पता चला एक दाल कितना बड़ा कटोरा होता है आप जरा समझिएगा तो वन न्यूटन को तो हमने तरीका क्या बताया था भाई हमने बताया देखिए वन न्यूटन इज इक्वल टू पता नहीं कितने डाइन ये तो आपको करना है तो न्यूटन भी आपके फोर्स की यूनिट है और डाइन भी आपके फोर्स की यूनिट है या डायमेंशन है तो सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ेगी डायमेंशन ऑफ फोर्स तो सबसे पहले आपको जो इसका निकलेगा सबसे पहले आपको क्या चाहिए डायमेंशन ऑफ फोर्स फोर्स की डायमेंशन क्या होती है एम एल टी इनवर्स टू पहले सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आपकी है वन और पहले सिस्टम में यूनिट बोले तो डायमेंशन कितनी है एम वन एल वन टी वन इनवर्स टू क्योंकि डायमेंशन तो न्यूटन और डाइन के केस में सेम रहने वाली है भाई आप सेंटीमीटर को हो चाहे मीटर को दोनों ही लेंथ है तो इंडिकेशन चेंज करने पड़ेंगे और दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मालूम नहीं है और दूसरे सिस्टम की जो यूनिट है वो कितनी है एम टू एल टू टी टू इनवर्स टू हमारे पास एक कंसेप्ट है कि हम ये जानते हैं वी नो दैट कि एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू होता है क्योंकि वन डाइन जितने भी वन वन न्यूटन जितने भी डाइन के होगा इक्वली होगा ना आपस में तो जब वैल्यू रखेंगे तो एन वन हो जाएगा वन और एल वन हो जाएगा एम वन एल वन टी वन इनवर्स टू इज इक्वल टू एन टू हमको मालूम नहीं है एम टू एल टू टी टू इनवर्स टू तो जब हम यहाँ से एन टू की वैल्यू निकालेंगे तो वन से मतलब नहीं है एम वन के नीचे कौन आएगा ये सब आपस में एक दूसरे के सहेलियों के पास आके बैठ जाएंगे एम वन आ जाएगा एम टू के पास बातें करना शुरू कर देगा एल वन आ जाएगा एल टू के पास और टी वन आ जाएगा टी टू के पास की जो चुटैया है वो बाहर कर दो एम वन क्या है पहले सिस्टम का मास है, का है में लिख दिया हुआ था भाई SI सिस्टम में है ना पहला तो वो तो किलोग्राम में है तो वन के जी हो जाएगा ये आप पढ़ चुके हैं पहले से इसलिए ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एम टू क्या है वन ग्राम एल वन क्या है वन मीटर एल टू है वन सेंटीमीटर टी वन क्या है वन सेकेंड टी टू है वन सेकेंड क्योंकि दोनों में सेकेंड होता है अब तरीका क्या होता है इसको थाउजेंड ग्राम लिखेंगे तो आएगा थाउजेंड ग्राम अपान वन ग्राम इन टू हंड्रेड सेंटीमीटर अपान वन सेंटीमीटर इतनी तो वन ही हो जाएगी वैल्यू पूरी तो ये आपकी टेंट पावर फाइव आ गई काय में चेंज गई ये डाइन में एन टू टेन 5 फाइव डाइन यानी वन न्यूटन बराबर 10 पावर फाइव डाइन तो ये आपका चेंज हो गया ठीक है तो ये होता है डायमेंशन मेथड से किसी एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना नोट करिए देखिए एक फार्मूला है वी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी अपॉन डी प्लस टी ये कहना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी डी वेर वी इज द वेलोसिटी एंड टी इज द टाइम चूंकि दो ही चीज़ें मालूम है वी और टी तो दोनों बता दिया वी क्या है और टी क्या है लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है अगर ये विलास्टी है तो ये क्या होगा विलास्टी ये पूरा क्या होगा ये पूरा क्या होगा तो यानी कि इसमें कितने टर्म है ये इसमें तीन टर्म है और तीनों टर्म किसके इक्वल हैं के इक्वल हैं तो हम सबकी डायमेंशन किससे कंपेयर करेंगे लेकिन एक लफड़ा यहाँ पर है लफड़ा ये है कि थर्ड टर्म में दो कॉन्स्टेंट हैं सी बी और डी भी है डी को किस में प्लस किया गया है डी को आपने टाइम में प्लस किया है और टाइम में प्लस क्या कर सकते हैं तो यानी कि आप सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे कि भाई डायमेंशन ऑफ जो डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टी के यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी टी समझ में आई बात नहीं आई क्योंकि इसको टाइम में प्लस किया ना आपने ठीक है ओवरऑल ये वेलोसिटी है लेकिन इसको किस में प्लस किया गया है टाइम में अब यहां से शुरू करते हैं ए किसके इक्वल है लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि वालास्टी वालास्टी वी प्लस वालास्टी इज डायमेंशन ऑफ ए किसके इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी यानी क्या हो जाएगा एल्टी इनवर्स वन ठीक है अब ये पूरा टर्म देखिए डायमेंशन ऑफ बी टी किसके डायमेंशन ऑफ वी डायमेंशन ऑफ वी तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा डायमेंशन ऑफ बी जब निकालेंगे तो टी को अपान में ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा डायमेंशन ऑफ वी अपान डायमेंशन ऑफ टी तो वी की डायमेंशन क्या है एल टी इनवर्स वन और नीचे टी तो ये क्या हो जाएगा एल टी इनवर्स टू ये हो गया ठीक है यहां पे आइए ये पूरा टर्म हम लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ सी अपान डी प्लस टी डायमेंशन ऑफ सी अपान डी प्लस टी किसके कोल होगा डायमेंशन ऑफ वी के कुल होगा देखो तो सी की डायमेंशन निकालनी है और ये पूरा क्या है टाइम पूरा टाइम है तो हम सी की जब डायमेंशन निकालेंगे कि डायमेंशन ऑफ सी क्या होगा तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन डायमेंशन ऑफ वी इंटू डायमेंशन ऑफ टाइम टाइम लिख दो क्योंकि आप टी लिखोगे तो आपको कहें यहाँ तो डी प्लस टी लिखा है तो पूरा टाइम ही लिख दो ना तो डायमेंशन ऑफ वी कितना हो जाएगा एल टी इनवर्स वन टाइम का टी तो ये क्या हो जाएगा एल हो जाएगा समझ में ये बात नहीं आई अब क्वेश्चन चेंज हो गया वो कह रहे हैं ये बताओ कि इसके यूनिट क्या होगी तो आप इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट क्या होगी मीटर उन्होंने कहा ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप कहेंगे भैया ये तो टाइम है यानी डी यहाँ पर क्या है टाइम है ए यहाँ पर क्या है वालासटी है बी यहाँ पर क्या है एक्सेलेशन है और सी यहाँ पर क्या है लेंथ है डिस्टेंस है ठीक है तो आपसे डायमेंशन भी पूछ सकते हैं उसके साथ आपसे ये कह सकते हैं कि भाई ये इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट क्या होगी और आपसे भी पूछ सकते हैं कि इसका ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है नोट करिए जैसे कह रहे हैं कि भाई ये एक इक्वेशन है वी बराबर ए प्लस बी टी और ये बता दिया वी वालास्टी है टी टाइम में ये बता देते हैं कि वी वॉल्यूम भी हो सकता है तो जो भी हो और उन्होंने कहा डायमेंशन ऑफ ए अपान बी निकालो आप डायमेंशन ऑफ ए अपान बी निकालो ये निकालना है तो सिंपल सी बात पहले ए की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी फिर बी की निकालनी पड़ेगी ये एक्चुअली एक कौन सी क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी और ये पूरी चीज़ तो आप कहेंगे देखो ऐसा है कि डायमेंशन ऑफ ए इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होगा यानी ये तो एल्टी इनवर्स वन होगा अगर हम कहें ए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप कहेंगे वेलोसिटी है हम कहेंगे एक यूनिट क्या है तो आप कहेंगे मीटर पर सेकेंड है डायमेंशन ऑफ बी टी किसके होगा डायमेंशन ऑफ वी के तो जब हम बी की डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा डायमेंशन ऑफ वी अपॉन डायमेंशन ऑफ टी वी की डायमेंशन क्या है एल टी वन पॉइंट टी बराबर एल टी इन्वर्स टू ये निकल आई डायमेंशन तो अगर डायमेंशन ऑफ ए अपान बी निकालोगे डायमेंशन ऑफ ए अपान बी तो ए की क्या निकाली है आपने एल टी इनवर्स वन और बी की क्या निकाली एल टी इनवर्स टू इसको कैलकुलेट करो क्या आएगी टी आएगी अगर मैं कहूं ये जो ए अपान बी निकला है ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बोले ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है नोट करिए ये एग्जाम्पल दो पार्ट में है ये पहला पार्ट ये कह रहे हैं कि जो फोर्स एफ है ना लेंथ एल लेंथ एल और टाइम टी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज कह रहे हैं ये ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं सॉरी फंडामेंटल यूनिट्स हैं देखो अगर फंडामेंटल यूनिट हैं तो फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी ऐसी होगी फोर्स की डायमेंशन एफ ही तो होगी क्योंकि कह रहे हैं कि एफ ही फंडामेंटल यूनिट है फोर्स को और किसी के टर्म में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो कह रहे हैं आप डायमेंशन ऑफ एम निकालो अब आपको इन टर्म को रिलेट करता हुआ एक फार्मूला खोज करनी पड़ेगी जहां एफ भी हो और एम भी हो तो दिखता कहीं पर एमए तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए तो यहां से ए की वैल्यू क्या, क्या हो जाएगी एफ ए सॉरी एम की वैल्यू तो क्या हो जाएगी एफ ए ए और एफ की जब मैं डायमेंशन की बात करूंगा डायमेंशन ऑफ एम तो एफ की डायमेंशन क्या हो जाएगी एफ और ए की एल्टी इनवर्स टू और इसको शिफ्ट करो तो आ जाएगी एफ एल इनवर्स वन टी स्क्वायर तो ये कह रहे हैं ये फार्मूला आपका बना ठीक है पहला पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये कह रहे हैं कि अगर मैं एनर्जी को ई एनर्जी है एनर्जी है ये क्या है इसको मैं फंडामेंटल यूनिट मान लूँ तो मास की निकालो तो अगर एनर्जी को निकाल लेते हैं तो एनर्जी में मास कौन से फॉर्मूले में आता है हाफ एम वी स्क्वायर तो एम की वैल्यू अब क्या निकलेगी टू अपान वी स्क्वायर ये तो निकलेगी और जब डायमेंशन ऑफ एम निकालोगे यहाँ पर डायमेंशन ऑफ एम तो ई e की डायमेंशन क्या हो जाएगी ई e और वी की क्या होती है एल टी इनवर्स वन उसका स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स टू हो जाएगी और इसको ऊपर ले जाओ तो क्या आएगा राइटिंग बड़ी गंदी हमारी है ई एल इनवर्स टू टी स्क्वायर समझ में आई कि जानबूझ के क्वेश्चन टफ नहीं है ये कह रहे हैं यहां पर फोर्स ही फंडामेंटल यूनिट है यहां एनर्जी फंडामेंटल यूनिट है एनर्जी यहां पर क्या है फंडामेंटल यूनिट है तो जब फंडामेंटल यूनिट होती है तो उसी से ही उसको डिनोट करते हैं ना जैसे लेंथ फंडामेंटल है तो एल ही लिखते हैं उसको ठीक है नोट करिए इसको एक फार्मूला है कि, कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है और ये उसका फॉर्मेट है ए प्लस बी अपन लेमडा स्क्वायर तो पहले तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बारे में बात की गई होगी आपकी masa. ही? तो म्यू एक्चुअली होता क्या है वालासटी ऑफ लाइट दो मीडियम की का रेशियो होता है रेशियो ऑफ द वालासिटी ऑफ द टू मीडियम्स होता है ठीक है अगर एब्सल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है तो लाइट वैक्यूम से उस मीडियम में जाएगी तो वेलासिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपान वालास ऑफ लाइट इन मीडियम होता है ठीक है कुल मिलाकर के वालासटी का रेशियो है और जब सेम चीज़ का कोई रेशियो होता है सेम क्वांटिटी का तो वो कैसी क्वांटिटी होती है यूनिटलेस होती है डायमेंशनलेस होती है तो एक्चुअली ए एक की डायमेंशन क्या होगी म्यू की होगी तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी की आप डायमेंशन भी बताओ और ऐसा यूनिट बताओ ठीक है <coughs> तो पहले आप कहेंगे देखिए भैया ऐसा है कि डायमेंशन ऑफ ए तो वही होगी जो डायमेंशन ऑफ म्यू होगी और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कोई डायमेंशन नहीं है और कोई डायमेंशन नहीं है तो नो no यूनिट कोई यूनिट भी इसकी नहीं होगी ठीक है अब जैसे ये रेडियन है वो तो सप्लीमेंट्री यूनिट दी गई ना उसको फिलहाल यहां इसकी कोई यूनिट नहीं होगी ठीक है अच्छा ये बी अपान लैमडा स्क्वायर किसके होगा वो भी म्यू हो के होगा यानी कि डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लैमडा स्क्वायर हो किसके होगा डायमेंशन ऑफ म्यू के तो अगर मैं कहूं डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा तो आप लिखेंगे डायमेंशन ऑफ म्यू इनटू डायमेंशन ऑफ लेमडा स्क्वायर तो म्यू की कोई डायमेंशन होती नहीं और लेमडा वेव लेंथ है यानी लेंथ है वेव के द्वारा एक ऑक्सोलेशन में चलेगी डिस्टेंस तो इसका एल स्क्वायर हो जाएगा तो अगर मैं कहूं कि ये एल स्क्वायर है और इसके यूनिट की बात करेंगे तो मीटर स्क्वायर यानी ये एक तरीके से एरिया को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो ये न्यूमेरिकल्स हैं तो इसको कर लीजिएगा ठीक है